ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रोड शो से उत्साहित बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर भी जमकर हल्ला बोला और कहा कि मोदी ऐसे नेता हैं जो कि अकेले निर्णय करते आए हैं, लेकिन राहुल गांधी की तरह नहीं है कि केवल झूठ बोलना ही सीखा है। बीजेपी के रोड शो से उत्साहित बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मोदी ऐसा नेता है जो कि अकेले निर्णय करते आए हैं, लेकिन राहुल गांधी की तरह नहीं है, केवल झूठ बोलना जानते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी ना तो बड़े हैं ना ही कड़े हैं और निर्णय लेने में भी सक्षम नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने पिछले 15 सालों में केवल झूठ बोलना ही सीखा है और अपनी पार्टी का ग्राफ नीचे गिराना ही सीखा है। राहुल जी की बात को मान भी लूं, कम से कम मोदी जी खुद तो निर्णय लेते थे, मोनी बाबा की तरह 10 जनपद से नहीं सुनते थे सोनिया जी की। राहुल जी, आपने तो मनमोहन जी की सरकार के ऑर्डिनेंस फाड़ के फेंक दिए थे कूड़ेदान में। मोदी सरकार में वो कोई हिम्मत नहीं कर सकता। मोदी सरकार में तो पाकिस्तान भी हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान के भी मुंह तोड़ जवाब दिया है तो नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान में दिया है। कश्मीर में जो अलगाववादी नेता पत्थरबाजी करवाते थे उनकी भी बोलती बंद कराई तो मोदी जी ने पत्थरबाजों की, और सैकड़ों आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा है तो भारतीय सेना ने मोदी जी के इशारे पर उतारा है। ऐसा नेता मिला है जो निर्णय कर सकता है, बड़े और कड़े भी। राहुल जी की तरह नहीं, ना बड़ा ना कड़ा, केवल झूठ 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 और उसके बाद माफी माफी माफी, ये दो चीजें राहुल गांधी के साथ चिपकी हैं। जो 15 वर्षों में सच बोलना नहीं सीख पाया, मुद्दे बुराने नहीं जान पाया, अपनी पार्टी को 400 सीटों से 44 पर पहुंचा दिया, अब केवल वोट कटवा पार्टी बनाकर कांग्रेस को छोड़ा है, ऐसे राहुल जी से कोई अपेक्षा नहीं है। कांग्रेस 26/11 के हमले के बाद पाकिस्तान पर कुछ नहीं कर पाए। मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक दोनों करके दिखाई है और पूरी दुनिया का साथ लेके अजहर मसूद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करवाया। राहुल गांधी जी 5 जन्म लेकर आ जाएं तब भी ना कर पाए। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं, अपने लेवल के नेता तक राहुल गांधी जी बात करना शुरू करें, पहले उस कद तक पहुँच जाएँ कि कम से कम प्रतिपक्ष के नेता तो बन पाएँ।